बस बहुत हो गया। अगर मैं अपने बीवी बच्चों के लिए सर झुका सकता हूँ तो मैं सबके सर काट भी सकता हूँ। मेरा मुंह तो निकल गई, क्या बताऊँ। जब मैं छोटा बच्चा था मैं चड्डी में सू सू करता था, अब जो मैं बड़ा हो गया बस पेंट में सू सू करता हूँ। ये तो मेरी बेइज्जती करा दोगे तुम सारे लोग मिलके, ना मेरा कचरा करा दोगे। ऊपर वाले ने इंसान के शरीर में 9 छेद किए हैं, 2 कान के, 2 नाक के, 2 आंख के, 1 मुंह का, बाकी के 2 तू जानता है। सपने में भी गलत सोचा ना, 10वां छेद कर दूंगा। और ढूंढो वो कुत्ते का पिल्ला कहाँ है, चलो यहाँ से। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। ये रेलवे की हड़ताल कब खत्म होगी। छोटा छतरी। कौन छोटा छत्री? अरे अपन का नाम है छोटा छत्री। तो उसका क्या? अरे अभी तूने बोला ना ताड़पत्री। मैं क्यों अभी ताड़पत्री बोला? अरे तूने सोचा होगा कि अपन का नाम होगा। क्या तेरा नाम होगा? ताड़पत्री। लेकिन तो मेरे दीकरे का खोराक भूल गया वो पप्पा। पप्पा जी बोल। पप्पा जी। जी पप्पा। आगे नहीं पीछू जी लगा, पीछू जी पप्पा जी। कितना बोला हूँ। ये मजदूर का हाथ है कातिया, खाना पकाना आता है, लोहा पिघला कर उसका आकार बदल देता है। ठीक है तो बर्तन धो लेना, चल खोल ही दिखाता हूँ। राधेश्याम तिवारी, तुम अगर बड़े आदमी हो गए तो अपने घर में हो गए, तुम इस तेजा भाई को नहीं जानते। खून खराबे वाले खानदान से हूँ मैं, उस बाप की औलाद हूँ जिसके छोरे में जब तक खून ना लगा हो ऐसा कोई दिन नहीं गया। पिताजी कसाई थे। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। रात को तुमने गुलाटी जीरे आलू खाए ना? आलू जीरा हाँ पता है। वो तो जो जीरा था ना वो जीरा नहीं था, मैंने 14 मच्छर मार के आलू में डाले थे। तूने मेरे को मंगलवार को नॉन वेज खिला दिया। आंखें खोलिए, जुबान दिखाइए, अब देखिए आप डायरेक्ट ठीक हो जाएंगे। ठीक है, कैसा कैसा फील हो रहा है? अरे ऐसा लगा जैसे चिड़िया कान सुड़ गए। डॉक्टर साहब कर क्या रहे हैं आप बताइए। मैं ये वो ना बरसात नहीं हो रही थी, बादलों में ना उंगली करके छेद कर रहा था मैं। आजो मेरे कंधे पे खड़े हो जाओ, तुम भी कर रहे मेरे साथ आओ कर क्या। वैसे डॉक्टर साहब बुखार हुआ कैसे आपको? फोन ना मेरे को बुखार का फोन आया। मेरे को कहता कि मेरे को तेरे को होना, मैंने कहा हो जा। मैं नहीं डरता, मौत डरती है मुझसे। मौत में इतना दम नहीं कि मेरे सामने आ सके, इसलिए इसकी माँ का 6 महीने से कुत्ते की तरह मेरे पीछे घूम रही है। राठौड़, विक्रम राठौड़। मैं नहीं डरता, मौत डरती है मुझसे। मौत में इतना दम नहीं कि मेरे सामने आ। कौन बोल रहा है? चिल्ला मत और मेरी बात अच्छी तरह से अपने भेजे में उतार ले। तूने मेरी राख मंगवाई थी टीका लगाने के लिए, मैंने तेरे भड़वों की राख भेजी है, पूरे बदन को लगा ले। अरे लोगों को कैसे यकीन होगा कि तू पक्का मुसलमान है? इस मुल्क से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में है। उनके होठ और दिलों की धड़कने हमेशा यही कहती है, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो क्या वो पक्के मुसलमान नहीं है? तकरीरें बंद कर।